पत्रकार के भाई ने 4 वर्ष की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करके उतारा मौत के घाट। बिहार में बाहर है सुशासन बाबू की सरकार है। एक तरफ सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ आए दिन हर रोज महिलाओं लड़कियों बच्चियों के ऊपर रेप हत्या मर्डर महिला प्रताड़न किया जा रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है लेकिन इस पर सरकार नकेल नहीं कस पा रही है। ताजा मामला मानवता को शर्मसार कर देने वाला सामने आया है। मधेपुरा जिला के पुरानी प्रखंड के पुरानी बाजार स्थित में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मामला पुरानी पंचायत के वार्ड संख्या 9 राजू सहनी के बेटी लगभग उम्र 4 वर्ष को सौरभ कुमार उर्फ कोकलेश ने बच्ची को बहला फुसलाकर बच्ची को घर से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं के अस्थाई लोगों का कहना है कि जब बच्ची को काफी ढूंढने पर लोगों ने रात्रि के करीब 10:30 बजे गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी पर सुनसान में बांसबड़ी के नीचे पोखर के परत पर बच्ची का शव आपत्तिजनक स्थिति में पड़ा हुआ था। इसे लोगों में आक्रोश व्यक्त करते हुए लोगों ने कुछ और ढूंढने का प्रयास किया तो एक मोटरसाइकिल मिला है जिसका नंबर BR39AA3177 का गाड़ी फेंका पाया गया और कुछ ही दूरी पर युवक का पहना हुआ जैकेट एक पांव का जूता और बच्ची के पहने कपड़े भी आसपास में फेंके हुए थे। पोशाक व जूते को देखकर पहचान कर ग्रामीणों ने कहा कि अपराधी सौरभ कुमार उर्फ कोकलेश है, उन्होंने ही हमारी बच्ची को बहला फुसला कर उसके साथ अश्लील हरकतें करके जान से मार दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुरैनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम करने भेज दिया। इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों ने पुरैनी प्रशासन पुलिस को लिखित रूप में भी दी और न्याय की गुहार लगाई। लिखित आवेदन देकर पुरैनी पुलिस ने अपराधी को घर के मेन गेट पर अपनी ओर से एक ताला बंद करवाया गया। अब यह देखना यह है कि पुरैनी पुलिस के द्वारा परिजनों को इंसाफ